नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग। फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरुमकुमार भारती पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि एक दो दिन गैप हो गया वीडियो आने में, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी एक दो या दो दिन में आप लोगों को एक सुबह एक शाम डेली दो दो क्लास मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे पल्लव वंश के बारे में, तो और जैसे जो मौर्योत्तर काल है, मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच जो पॉइंट्स ऑफ एग्जाम भी उससे इम्पॉर्टेंट है, वो है कुषाण वंश। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इसके प्रथम शासक के बारे में, संस्थापक के बारे में, और कनिष्क प्रथम जो सर्वश्रेष्ठ कुशल शासक के रूप में सर्वप्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क प्रथम, और उसके बाद हुई और आगे हम लोग जो है कुषाण वंश के और शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो जो कुषाण वंश है, ये जो है चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों पर रहते थे। और ये यूची कबीले से संबंधित थे, यूची कबीलों से संबंधित ये लोग जो इनके ऊपर हुड़ जो है, हुड़ आक्रमण करके पराजित कर देते हैं। हुड़ से पराजित होने पर पहले तो ये लोग दो शाखाओं में बढ़ते हैं, फिर पांच शाखाओं में विभक्त होते हैं। इनको मिलाने वाला जो शासक या राजा के रूप में जाना जाता है, उसको बोला जाता है कुजुल कडफिसेस या कटफिसेस प्रथम। जैसा कि ये लोग पहले तो बैक्टीरिया साइड गए, जब हुड से पराजित होने पर चीन के सीमावर्ती प्रांत से, उसके बाद इन्होंने बाद में हिंदू कुश पर्वत पार के जो है भारत पर ये लोग आते हैं। तो ये लोग जो अंतिम यूनानी शासक रहता है, हर्मियस के साथ कुछ दिन शासन करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स कटफिसेस प्रथम या कुजुल कटफिसेस ने काबुल पर आक्रमण कर उसको जीत लेते हैं, और कोपिन क्षेत्र जो रहता है, कोपिन क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जो कुषाण वंश था, पहले तो ये लोग यूची कबीले से संबंधित थे, और हुड़ एक वो भी खानाबदोश बर्बर जनजाति, वो आक्रमण की इन लोगों के ऊपर ये लोग पराजित हो जाते हैं, और ये लोग फिर बाद में बैक्टीरिया साइड जाते हैं। उसके बाद दो भागों में विभाजित होते हैं, उसके बाद फिर पांच शाखाओं में विभाजित होते हैं। पांचों शाखाओं को एक करके कुजुल कटफिसेस या कटफिसेस प्रथम ये जो है कुषाण वंश की स्थापना करते हैं, और हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत पर आते हैं। तो अंतिम रानी शासक हर्मियस के अधीन कुछ दिन शासन करते हैं, फिर बाद में काबुल पर आक्रमण करके और कोपिन क्षेत्र अपने अधिकार में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं आज कुछ छोटे छोटे जो
कीटाणु टाइप के हैं, मच्छर और सब आ रहे हैं वो लाइट देख के। फ्रेंड्स हम लोग जैसा कि अब देखेंगे जो कुजुल कटफिशेस है, ये केवल जो है तांबे के सिक्के जारी करवाया था। कुजुल कटफिशेस तांबे का सिक्के जारी करवाया था, केवल तांबे का सिक्का चलाया था। फ्रेंड्स इसके जो तांबे के सिक्के थे, एक तरफ जो है जो मुख्य भाग था उस पर एक तरफ हर्मियस का नाम और दूसरी तरफ जो है कुजुल कटफिशेस का नाम मिलता है, कुजुल कटफिशेस का नाम मिलता है। और ये रोमन प्रणाली के सिक्के थे, रोमन प्रणाली के सिक्के थे। अब फ्रेंड्स जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है कुषाण वंश के, वो है भीम कटफिशेस या कटफिशेस दूती, हम लोग उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड। अब भीम कटफिशेस या कटफिशेस सेकेंड, फ्रेंड्स कई इतिहासकार मानते हैं कि कुजुल कटफिशेस का पुत्र रहा हो, या फिर कई इतिहासकार इसमें विवाद है, लेकिन जो भी रहा हो कुजुल कटफिशेस के बाद भीम कटफिशेस द्वितीय जो है राजा बनता है, शासक बनता है। इसको कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स इन्होंने जो है भीम कटफिशेस या कटफिशेस द्वितीय ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए, जो इनके शुद्ध सोने के सिक्के थे वो रोमन प्रणाली के थे, रोमन प्रणाली के द्विभाषीय सिक्के थे, जिसको भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाले शासक रूप में या राज के रूप में यूनानी को जाना जाता है, और द्विभाषी सिक्के के प्रयोग करने वाले यूनानी भी थे प्रथम। लेकिन जो भीम कटफिशेस था या अंतिम शासक था, जिसने द्विभाषा का प्रयोग किया अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। भीम कटफिशेस के जो सिक्के मिलते हैं, भीम कटफिशेस के सिक्कों पर जो इसकी उपाधि मिलती है महेश्वर, और इसके सिक्कों पर जो है त्रिशूल, नंदी का अंकन मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि बीम कट फिशेस जो है सैव धर्मानुयायी था, सैव धर्म को मानने वाला था, और बीम कट फिशेस के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनता है वो कनिष्क प्रथम, जो सर्वशक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो चीनी स्रोत हैं, जो चीनी लेखक हैं, चीनी स्रोतों के अनुसार वो भीम कट फिशेस को भारत का विजेता कहते हैं, भारत का विजेता। और जो चीनी स्रोत हैं, चीनी ग्रंथ हैं, उन्हें भीम कट फिशेस को भारत का विजेता कहा गया है। और फ्रेंड्स, भीम कट फिशेस की मथुरा से एक जो है मुद्रा मिली है, सिक्का, उस पे जो है इनकी सराय, तालाब, ये सब जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उल्लेख किए गए हैं। तो भीम कट फिशेस की मथुरा से सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, जैसे सराय बनवाए, तालाब और विहार आदि की जो है जानकारी मिलती है। मथुरा से इनका सिक्का प्राप्त हुआ है। अब फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे कनिष्क प्रथम के बारे में, जो कुषाण वंश का सर्वशक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, सर्वप्रसिद्ध शासक, तो वह कनिष्क फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे जो है कनिष्क फर्स्ट के बारे में। काफी क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट्स ऑफ एग्जाम भी दृष्टि से। तो आगे फ्रेंड्स, हम लोग आपको बता दें कि जो लोग अभी तक नहीं जानते होंगे, हमारे चैनल द्वारा 21 मॉक टेस्ट कराया जा रहा है नेट GRF पाने के लिए। अगर आप अभी आप हमारे मॉक टेस्ट हिस्ट्री में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए हमारी वेबसाइट www.त्रिभुवनकुमारभारती.com पे जाके, और आपके लिए अच्छा ही रहेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।